आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां पर हाई स्कूल के छात्र का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में जिला टॉप करने वाले मेधावी छात्र सुमित गुप्ता का DL&D संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा की टीम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर में अध्यापक नगर गली नंबर 8 में रहने वाले सुमित गुप्ता ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में जिला टॉप करके नगर व जिले का नाम रोशन किया। इसके चलते DL&D संयुक्त प्रशिक्षक मोर्चा 2018 की टीम ने सिरसागंज पहुंचकर सुमित गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। मैं अमित भारती संयुक्त DL&D प्रशिक्षु मोर्चा का जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद से हूँ। आज हमारे संगठन ने संयुक्त DL&D प्रशिक्षु मोर्चा ने हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले सुमित गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मेरे साथ मंडल उपाध्यक्ष मोहित शर्मा जी और जिला उपाध्यक्ष प्रीकांत जी, पुरुषोत्तम यादव जी, रवि वर्मा जी और विजय सिंह जी हमारे साथ उपस्थित रहे और मैं इनको एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा ऐसे ही हमारे जनपद का नाम रोशन करते रहें। सर, मैंने माध्यमिक परीक्षा हाई स्कूल का एग्जाम दिया है यूपी बोर्ड से और मेरी जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 91.67% अंक है हमारे और मैं इसकी सफलता का अपना श्रेय अपने गुरुजन और माता पिता को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। आज सभी लोग आपके पास आए हैं, आपको प्रशस्ति पत्र दिया, कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष जी और DL&D के भैया जो हमारे पास आए हैं। छात्र हैं सुमित गुप्ता ही, जो सरस्वती विद्या मंदिर से जिन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने जिला टॉप किया है 91.00 कुछ करके उन्होंने जो प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो DL&D प्रशिक्षु मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई अमित भारती जी और हमारे प्रकांत जी, जिला उपाध्यक्ष जी, भाई रवि वर्मा जी, पुष्पेन जी, राजीव जी, हमारी पूरा संगठन यहाँ इनका एक प्रशस्ति पत्र दे के मनोबल बढ़ाने के लिए इनको सम्मानित किया है, क्योंकि हम भी अभी छात्र हैं। मैं DL&D 2018 तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। हम भी चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई सुमित गुप्ता ने जो जिले का जो नाम गौरवान्वित किया, अपने मम्मी और पापा जी का जो नाम गौरवान्वित किया है, तो हम इनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देने आए हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगामी जो इनकी अभी 12th है उसमें और अंक प्रशस्ति पात करके जो उत्तर प्रदेश में अपना